बुढ़िया ने चाकी चला दी थी आधी रात में। उन्होंने समझ ली थी दिन लेकर गया, चाकी चला लूं है, इसने चाकी चलाई, इतना इतना बन गया है। सो गाइस ये देख रहे हो आप, ये अंदर घुसते ही जो 84 कमरे का, एक बार आप इसको पढ़ो, ये आप पॉज करके पढ़ लेना, काफी बड़ा है, दोनों हिंदी इंग्लिश में दोनों, जो भाई हिंदी जानता है उसको ये पढ़ना है, जिसको इंग्लिश सही हो। अब एक बार आप इसको देखो बाहर से, पूरे में जाली लगी पड़ी है एंड तक, ये देखो। और अब यहाँ से चलते हैं अपन गाइस, जो इसका मेन गेट है वो गेट भाई ये है, ये मेन गेट है जहाँ से एंट्री होती है भाई, यहाँ से एंट्री स्टार्ट है, ये गेट है, इसका ऊपर तक आप देख लो। और अब इस गेट के अंदर चलते हैं अपन, और यहाँ से अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है। चौरानवे मेरे कितने बैठे थे, 96 मेरे 92 इसके, तेरे निवास में बैठे थे, हाँ 89 दिनेश के 92 92 ना, मेरे 94। तो गाइस हम तीनों की गिनती, वो काउंटिंग तो आई है अलग अलग, बट एक बार हम है ना जो धीरे धीरे कैमरा घुमाते हैं, आप देखना बिल्कुल स्लो।
ज्यादा बैठते ही कर कम बैठते हैं। आप कितने बैठते हैं भाई? गिनती में फिर भी गिना 85। आपके बेटा आप कितने? 94। आपके बेटे? किसी के 84, किसी का 85, किसी के 84, मेरे में 86 पूरे नहीं आ रहे। कितने बार गिना? 4 बार। 4 बार कितने आए? और ये नाप रहे, पट्टियाँ नाप रहे, ये आगे पीछे हो जाती है नापने से भी। अच्छा, ये भी पूरे नहीं नाप सकते, इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी। ये जो सिल्लिया है ना, ये वाली, ये जो सिल्लिया है, ये सारी आगे पीछे बढ़ जाएगी। भाई नाप दिखाने पर दिखाने फिलहाल हमारे साथ एक भाई है जो हमको पूरी ये पूरी हिस्ट्री बताएगा इसके बारे में, इसके भाई तुझे सब कुछ पता है, पूरा बता देगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो देखा अभी इससे पूछते हैं अपन। बता, ये जो कामा का जो मंदिर है, जो चौराचे खंभे की बात है, मतलब कितने खंभे हैं, इसका पूरा इतिहास बता हमको। हम पहले एक इस बुढ़िया ने चाकी चला दी थी आधी रात में, उन्होंने समझ ली थी दिन लेकर गया चाकी चला लूं है, इसने चाकी चलाई इतना इतना बन गया ये। अच्छा अच्छा, ये बन गया। 84 नहीं बैठते, कभी ज्यादा बैठते कभी कम बैठते है। कामा मैंने 84 कुंडे 84 मंदिर है। चल चल, तू चल, तू बोल तो रहे, तू बोल तो रहे। और बुढ़िया दूरी, ये बुढ़िया कौन सी? ये एक मिनट, ये इसके बारे में क्या बता रहा है? बुढ़िया आई। अच्छा, फिर चाकी चलाई थी इसने? अच्छा, चाकी कहाँ है? चाकी दिखा। ऊपर ये ऊपर तो सीधी है और नीचे तो बैठ। यार ऊपर कैसे चलाती थी? ऊपर नहीं चलाई, नीचे चलाई वहीं पे खम्मा पे। तो फिर अब ऊपर कैसे गई? ऊपर ओनली लगा दी बुढ़िया ने जल्दी जल्दी में। अच्छा, खुद नहीं? और कुछ बता भाई इसके बारे में हमारे को। इधर अच्छा, आप हाथों से करते हो दान, पद्मों से करते हो पाप, आपने ब्रज के लाखों कीड़ों को मारा, उनका इधर उधर होता है। अच्छा, और कुछ? अरे यार, ऐसा एक लड़को मिला तो मांगो भी। जब कृष्ण भगवान काम मन छोड़ के मथुरा गई कंस को मारने के लिए, अपना मुकुट छोड़ के गई थी, ये मुकुट कृष्ण भगवान का ही है। कौन सा है? अच्छा, ये वाला। हाँ, यार इतना सा बच्चा कितना नॉलेज है इसका? नहीं भाई, आप पूरी हिस्ट्री पता है? देखो, जब कृष्ण भगवान बैट, इधर से दिखा भाई। हाँ, जब कृष्ण भगवान बैट बॉल खेले थे, उनकी बॉल काली देह में चली गई थी। अच्छा, हुआ था काली, अक्षर काली ना गई। हाँ, ये हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, और बताओ। जब किसी पे छोटा बच्चा होता है, वह माता माते के लिए गिरती है, वो ले गई अब तक किसी भी पड़ी में गई है ऐसे, आज तक कोई पड़ी में गई है ये कोई पड़ी गई, सांप भी जब भी
अच्छा मटकिए में माता मैया एक बार थोड़ा भाई यहाँ देखो कौन सी ये माता मैया आपकी परिक्रमा इधर से चालू हुई इधर से समाप्त हुई ठीक है कंप्लीट हिस्ट्री बता दी तुमने एक चीज बताया यार इधर खंबे कितने हैं ए नाम काम आवे ने थोड़ा इधर आ जा काम आवे और आ जा आ जा हां अब बता काम आवे 84 खंबे 84 मंदिर 84 परिक्रमाएं अच्छा नाम रख दिया इसका 84 खम्मा अच्छा आज तक किसी भी ज्यादा बैठते ही कभी कम बैठते ही अच्छा तो ऐसे यार ये कोई जिंद-विंद का सिस्टम थोड़ी है इधर भूत-भूत को कुछ दिक्कत नहीं है खाली बस ये गिनती में नहीं आते बाबा सो गए इसके अंदर अच्छा खाली गिनती में नहीं आते बाकी ऐसा कुछ बनाए किसने थे जिंदों ने और भगवान ने आप तो ये बोले जिंद रहते नहीं इसमें वो तो यार भाई जिंद और भगवान का संबंध जिंदों ने पहले बनाया हो अब तो चलेगी वो अब कराएंगे नहीं इतना ही क्यों बनाया और क्यों ना बनाया आगे बुढ़िया ने चाय की जला दी नाम पे तो ये हमारे चला गया है खा पा तो ही ऐसे ही होगी बहुत दूर और तू तो बनता ही अच्छा इसके बारे में बता पांच पांडव बैठे थे एक ना बैठा था युधिष्ठिर और चार वहां बैठे थे भीम नकुल सहदेव अर्जुन तेरे से एक चीज पूछूं यार पांडव इतना बड़ा था यहाँ पे आया कैसे एक ना बैठा था युधिष्ठिर वो बात तेरी ठीक है और जब वो इतना बड़ा बैठा है पाया गया देख एक तो इस पे बैठा था बाकी चार उस पे बैठे थे तो हे गाइस भाई आज हम उसकी जो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन है जो देने वाला है वो हमारा गाइड रहे छोटा सा बच्चा है भाई टेक चंद इसका नाम जितना बड़ा है ना इतने ही इसके कारनाम है भाई एक तो इतना प्यारा बोलता है ना इसको सब चीज की नॉलेज है ना मतलब यार यहाँ की पूरी स्टोरी इस बच्चे को पता है जो यहाँ के बड़े बड़े बुजुर्ग बड़े आदमी नहीं पता था इसको बच्चे को पता है भाई तेरे गांव यही है तो मुझे एक बात बता तुझे इतनी नॉलेज कैसे है यार पंडा लोग आते हैं हमको बता दिया अच्छा इसके कहने का मतलब ये है पंडा यहाँ बोलते हैं भरतपुर भाषा में पंडा बोलते हैं पंडित को इस वजह से इसको सारी नॉलेज है लेकिन नॉलेज क्या है मतलब इसने सारी हिस्ट्री खोल दी आपने देखा था पहले इसने पूरी हिस्ट्री खोल दी एक एक खंबे पे क्या डिजाइन बना पड़ा है कहाँ चक्की है किसने बनवाया था कितने साल पुराना है मतलब सब कुछ बता दिया इस भाई ने यार भाई मान गए तुझे इतने से बच्चे किसी को नॉलेज नहीं होती है इतनी हिस्ट्री भाई हाँ तो गाइस बड़े आदमी को नहीं होता हाँ तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब करो वीडियो को भाई वीडियो को शेयर और भाई शेयर ज्यादा से ज्यादा करना बहुत ही कमेंट करना कमेंट में भाई आपकी गिनती में कितने खंबे आए हैं हाँ भाई कमेंट करना और कोई भी हमारा सब्सक्राइब जो यहाँ पे आया हो वो इन खंबों को भाई कोई गिनती गिना हो 84 है उससे ऊपर है कम है जो भी है मतलब आपकी काउंटिंग कितने आए हैं कमेंट में बताना हम देखते हैं कि हमारा किससे का आंसर मैच होता है ओके तो तब तक के बाय बाय।